Hi, this is Neha Hinge and you're watching National Reporter. Thank you so much. जैसे LSD का फुल फॉर्म है लव स्कैंडल्स एंड डॉक्टर्स. सो LSD इज लॉट अबाउट लव, LSD इज अबाउट स्कैंडल्स एंड LSD इज अबाउट डॉक्टर्स हु आर समहाउ इन्वॉल्व्ड इन लव एंड स्कैंडल्स. सी जनरली क्या होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं, करेक्ट. तो जब कोई पेशेंट डॉक्टर्स के पास आता है हॉस्पिटल में, वो ठीक होने आता है. बट हमारे हॉस्पिटल में जब पेशेंट ठीक होने आया या पेशेंट कुछ भी करने आया, पेशेंट की डेथ हो गई, एक्चुअली मर्डर हो गया. सो इट्स वेरी अनलाइकली कि जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं किसी पेशेंट का मर्डर हो जाता है. अब वो मर्डर तो हो गया है, अब वो मर्डर किसने किया है, इस द एंटायर स्टोरी इज़ अबाउट दैट. ओ वेल, उनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था. बिकॉज ही क्या होता है, इट्स अ थ्रिलर, सब जान थ्रिलर्स बहुत टाइप की होती हैं. बट पहली बार एक मेडिकल थ्रिलर आई है जहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि सी थ्रिलर्स कभी कोई दोस्त घूमने गए, कोई घूम गया उससे हो गया, किसी का मर्डर हो गया उस पर हो गया. बट हॉस्पिटल में जहाँ पे जान बचाने आ रहे हैं वहाँ आपका मर्डर हो जाता है, आप क्या करेंगे? कैन यू रियली ट्रस्ट डॉक्टर्स? वो ओथ लेते हैं एज डॉक्टर्स, बट क्या वो एज ह्यूमंस को फॉलो करते हैं? दैट इज़ अनदर क्वेश्चन. सो जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ चित्रा राणा, सो वो सीनियर डॉक्टर हैं. तो जितने भी इंटर्न्स आते हैं सब उनके अंडर आते हैं. राहुल देव जो हैं वो KMRC के डीन हैं, ओनर हैं, मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ डॉक्टर चित्रा राणा. सो ये इंटर्न्स, ये जो बैच ऑफ इंटर्न्स आती है, और मैं बहुत सिंसियर डॉक्टर हूँ, बहुत सीरियस डॉक्टर हूँ, बहुत फोकस्ड डॉक्टर हूँ. मेरा इतना ही काम है कि मैं पेशेंट्स की सेवा करूँ, बहुत अच्छी डॉक्टर बनूँ. मेरे सारे इंटर्न्स जो हैं सब अच्छे डॉक्टर्स बने. बट ये जो पांचवा आते हैं और जो रकस मचता है और मैं कैसे उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मेरे सारे बाकी सीनियर डॉक्टर्स कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, द एंटायर स्टोरी इज अबाउट दैट. नहीं, सी मुन्ना भाई MBBS वॉज अ वेरी लाइट फिल्म जहाँ पे सिंपल सा मैसेज था कि हाउ यू कैन, आप कैसे लोगों की सेवा कर सकते हैं एज डॉक्टर्स. अगर हमारा उल्टा है, हमने सेवा नहीं किया, हमने किसी को मार दिया. हमने किसी को नहीं मारा, किसी ने तो किसी को मारा, या हम सब ने मारा है, किसी ने मारा है, किसी दो ने तीन में, हमको नहीं पता किसने मारा, वो तो आपको देखना पड़ेगा, करेक्ट. बट ये कि आई थिंक बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ मुन्ना भाई MBBS, तो हमको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए इसके लिए स्पेशली. वैसे बहुत अच्छा माहौल था, हम सब हमेशा साथ में बैठते थे. जनरली हम वैनिटीज़ में कम ही रहते थे, तो हम लोगों ने अपना एक कट्टा बना लिया था. तो हम सब वैनिटीज़ में जाते थे, चेंज वेंज करते थे, और ऐसा पूरा राउंड बना करके हम सब बाहर बैठते थे, एक दूसरे के साथ लंच शेयर करते थे, डिनर शेयर करते थे, गप्पे मारते थे, चाय शेयर करते थे. तो इट वॉज़ अ वेरी नाइस, इट वॉज लाइक अ बिग फैमिली, बिकॉज हम काफ़ी लोग हैं. हाँ, लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, हम सब एक फैमिली के साथ बैठ के एक साथ पूरा टाइम स्पेंड करते थे. जी, सी मेरे फैमिली में एक्चुअली बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो मैं बचपन से डॉक्टर्स देखती आ रही हूँ. तो मुझे आइडिया तो था कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है वगैरह. मतलब मेरे सारे मामा वगैरह डॉक्टर हैं, तो मैं उनके हॉस्पिटल में बचपन से जाके बैठती थी उस तथ्य वगैरह लगा के. तो मुझे एक पहले से फैसिनेशन था. मेरी मॉम चाहती थी इनफैक्ट मैं डॉक्टर बनूँ, बट ऑब्वियसली आई हैड अदर प्लान्स. बट बेसिकली हमने बहुत प्रिपरेशन किया, लाइक बेसिक चीज़ें, फॉर एग्जांपल सेतु कैसे पकड़ना, चेकिंग कैसे, BP कैसे चेक करना, इंजेक्शन कैसे लगाना, फिर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो वो हमने काफ़ी मतलब वर्कशॉप्स में सीखी, तो ताकि वी कैन लुक नेचुरल व्हेन वी आर डूइंग इट ऑन स्क्रीन. सो अब आई हैव बिकम अ लिटिल ट्रेन डॉक्टर, काइंड ऑफ ट्रेन डॉक्टर. मैं इंजेक्शन भी दे सकती हूँ, BP चेक कर सकती हूँ, और जो भी आपके हार्ट पल्स वगैरह जो भी सेतु से सब कुछ चेक कर सकती हूँ. आई डोंट थिंक सो, सी ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ ऑफेंसिव है सीरीज में कि डॉक्टर्स ऑफेंड हो जाएं. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू राइट नाउ, इट्स अ फिक्शन स्टोरी राइट नाउ, ओनली आई एम टेलिंग यू, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी. वी जस्ट शोइंग इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, इट्स अ थ्रिलर. सो अगर आप इसको एज अ थ्रिलर एंड फिक्शन स्टोरी लेंगे तो ही बेटर है, बिकॉज तांडव कह रहा है मैं स्कैर्ड हूँ ऑनेस्टली. सी मेरे लिए पहली ऑल बालाजी की सीरीज है. इससे पहले मैंने नेल पॉलिश की है Z5 के लिए, एंड मैंने तांडव किया है, वेर आई एम प्लेइंग गरिमा देसवाल रिपोर्टर इनफैक्ट. तो बालाजी के लिए मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है.
तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे. और एक्चुअली काफ़ी फास्ट शूट किया हम लोगों ने, हमने टक 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 ये आया स्क्रिप्ट आया ये आया वो हुआ, इट वॉज़ वेरी मतलब फटाफट शूट करके फटाफट रिलीज़ करे. आई थिंक इट्स द फर्स्ट सीरीज जो मैंने इतनी जल्दी शूट करके इतनी जल्दी रिलीज़ भी हो रही है. तो आई थिंक आई रियली लाइक द वे दे शॉट इट एंड द वे दे रिलीज इट. बस ऐसे ही होना चाहिए, थ्रिलर है ना उसको थ्रिलर की तरह शूट करो, थ्रिलर की तरह रिलीज़ कर दो. जी ऑनेस्टली तांडव के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी ऑनेस्टली, बिकॉज वी मेड अ लॉट ऑफ लव. बिकॉज मैं भी कुछ भी कहूँगी तो अननेसेसरी सेंसिटिव हो जाएगा, तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट राइट नाउ. बट इन जनरल मैं वेब सीरीज़ के लिए इतना ही कहूँगी कि इसने ना बहुत अच्छे डोर्स ओपन किए व्यूज के लिए भी और एक्टर्स के लिए भी. पहले क्या होता था सिनेमा में, वी हैड अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, 2.5 घंटा 3 घंटे में आपको कुछ दिखाना है, और आपको स्टोरी में दिखाने के लिए कुछ और है तो आपको 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे. अब सीरीज़ कभी 7 घंटे की भी होती है, कभी 5 घंटे की, 9 घंटे की. आप 3 घंटे की 3 पार्ट तो बना नहीं सकते सेम कंडीशन मूवी में, और फिर कब रिलीज़ करेंगे कैसे होगा. तो आई थिंक सीरीज़ ने एक बहुत अच्छा किया है कि जो लॉन्गर स्टोरी टेलिंग के आइडियाज़ हैं जो लंबी से बुक्स में होता है वगैरह, इट हैज़ गिवन इट विंग्स टू एक्सप्लोर. ऊपर से एक्टर्स, इतने सारे एक्टर्स को चांस मिलना, लोगों को उनको उनके बारे में मालूम पड़ना, पता पड़ना, इतना लोगों को काम मिला इस वजह से. और वेब सीरीज सबसे अच्छा काम किया है जो व्यूज हैं उनको एक सेंस ऑफ कंटेंट दिया है कि कंटेंट ऐसा भी हो सकता है. जो भी हम देखते हैं मूवीज़ या फिल्म्स, वो सिर्फ रनिंग अराउंड द ट्रीज नहीं है या गाने नहीं हैं, जो रियलिटी है कभी. अब ऑब्वियसली एकदम तो हार्श रियलिटी दिखाती नहीं है, दिखा नहीं सकते बिकॉज रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है, बहुत स्पेसिफिक होती है. फॉर एग्जांपल से चाइल्ड अब्यूज़ है, फिर रेप है, फिर माफिया गैंग्स वगैरह हैं. अब वो सीरियस जैसा होता है वो दिखाएंगे वो तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट एक जो बेसिक रियलिटी लोग देख पा रहे हैं थोड़ा और रियलाइज्ड रियलिटी वर्जन में, आई थिंक वो कहीं ना कहीं व्यूअर्स को हिट कर रहा है और अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो क्यों नहीं देखेंगे. यार ऑनेस्टली बिग बॉस आई यूज टू वॉच पहले बहुत, बट नाउ आई एम नॉट वॉचिंग इट ऑनेस्टली. बट येस आई लाइक सलमान खान बिग बॉस बिकॉज आई थिंक ही इज द बेस्ट वन, मतलब वो सॉर्टेड है. सी मैं इतना ही कहूँगी कि ये वेब सीरीज ऐसे हम कहते हैं थ्रिलर्स, काफ़ी थ्रिलर्स होते हैं. थ्रिलर्स स्पेशली मेरा फेवरेट जॉनर जो मैं देखना पसंद करती हूँ. एंड इट इज़ समथिंग जो बहुत क्रिस्प है, बहुत क्विक है, आपके हर एपिसोड में एक हुक है. तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये एपिसोड देख के फिर अरे मैं कल देखती हूँ या मैं परसों देखती हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा. तो सब बैक टू बैक आप देख लीजिए एंड आई थिंक यू विल रियली लाइक इट. बिकॉज ऑन द एज है, ऐसा कोई डल मोमेंट नहीं है. आप देखना शुरू करेंगे एक बार में 15 एपिसोड छोटे एपिसोड से ख़त्म कर दीजिए, आई थिंक यू विल रियली थरली एंजॉय इट. थैंक यू.